आओ बच्चों, आज मैं आपको पार्ट 4 शुरू करवाने जा रही हूँ, जिसका नाम है बया का घर। बया का अर्थ चिड़िया। इस कहानी में चिड़िया एक मूर्ख और शरारती बंदर को शिक्षा देती है, लेकिन उस शिक्षा का उसे कोई लाभ नहीं, उल्टा चिड़िया को नुकसान ही उठाना पड़ता है। इस कहानी को हम समझेंगे और पढ़ेंगे कि उसे कैसे नुकसान उठाना पड़ा। अब मैं कहानी शुरू करने जा रही हूँ। एक था बंदर, बड़ा ही शरारती और नटखट। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर छलांगें लगाकर भागने में उसे बड़ा मज़ा आता। कभी कभी किसी वृक्ष की डाली को पकड़कर झूला झूलने लगता और बहुत सारे करतब दिखाता। करतब का यह अर्थ बाजीगर जैसे कई खेल तमाशे दिखाते हैं, उसे करतब कहते हैं। देखकर दूसरे जानवर हंसते। कभी कभी कोई प्यार से समझाता, अरे भाई, इस तरह सारा दिन उछल कूद और मस्ती करते रहने से गिरने और चोट लगने का भी खतरा है। जंगल में कौन से डॉक्टर बैठे हैं जो तुम्हारा इलाज कराएंगे? सुनकर बंदर खी खी हंसता, फिर उसी तरह मस्ती से उछल कूद करने लगता। पेड़ों पर बार बार उछलने कूदने से उन पर बने हुए वृक्ष पक्षियों के घोंसले भी हिलने लगते। कभी कभी उनमें से किसी पक्षी का अंटा धरती पर गिरकर टूट जाता या कोई नन्हा बच्चा गिरकर परेशान हो जाता। उसकी इस चींची से सारे पक्षी बाहर आ जाते। बंदर को समझाते, भाई ऐसी शैतानियां मत करो जिससे दूसरों को परेशानी हो। यहाँ तक हमने पढ़ा है, उसका अर्थ यही, नटखट बंदर जो है वो कैसे दूसरे पक्षियों को तंग करता है। लेकिन अपनी बार बार सारे पक्षियों के समझाने पर भी वह अपनी शरारतों में कोई कमी नहीं करता। कोई प्यार से उसे समझाता तो अगर कोई गुस्से से करता तो वह उसे ही नुकसान पहुँचाता और इससे सभी को परेशानी उठानी पड़ती। पर बंदर एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। दिन बीतते गए, धीरे धीरे मौसम बदला और बरसात आ गई, पर शरारती बंदर की आदतों में कोई फर्क नहीं पड़ा। वह और भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर शैतानियाँ करने लगा। देख देख कर पक्षी कल्पते। उन्हें डर था कि कहीं ये शरारती बंदर उनके घोंसलों को ही ना गिरा दे। बंदर को समझाते तो सारे पक्षी थे, मौसम भी बदल रहा था, बरसात आ रही थी, लेकिन उसकी शरारतें जो थीं वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। सारे पक्षी कल्पते, दुखी होते, लेकिन उसकी शरारतों में कोई कमी नहीं थी। फिर उन्हें डर भी था पक्षियों को कि कहीं ये बंदर उनके घोंसले को ही ना तोड़ दे। फिर एक दिन बड़े जोर की वर्षा आई, ऐसी झमाझम वर्षा। झमाझम का यहाँ अर्थ है कि बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक वर्षा की सब ओर से और पानी ही पानी। आकाश में बादल और घटाएं छा गई थी। बहुत ठंडी हवा चल रही थी। बंदर पूरी तरह भीग गया। तेज ठंडी हवाओं से भी वह परेशान था। किसी तरह सिर छिपाने के लिए ठिकाने की खोज में था, पर उसने अपने लिए कोई घर तो बनाया ही नहीं। अपनी शरारतों से भला उसे फुर्सत कहाँ थी। हारकर अब वह वृक्षों के पत्तों में छिपने का प्रयत्न कर रहा था। बीक कर वह थर थर कांपने लगा। जब मौसम बदला, बरसात का मौसम शुरू हो गया। बरसात के दिनों में उसने अपने लिए कोई घर नहीं बनाया था अपनी सुरक्षा के लिए। हारकर वह दुखी हो गया और वृक्षों के पत्तों में छिपने की कोशिश करने लगा। उसी वृक्ष पर, जिस वृक्ष के नीचे वह छिपने की कोशिश की, उसी वृक्ष पर एक बया ने अपने लिए एक सुंदर घोंसला बनाया हुआ था, जिसमें बया और उसके बच्चे रहते थे। साथ ही बया ने वर्षा के दिनों के लिए अन्न के दाने भी इकट्ठे कर लिए थे। अन्न का मतलब अनाज। इसलिए अपने घोंसले में छिपकर बया और उसका पूरा परिवार
वर्षा का मज़ा ले रहा था। जब मन होता तब वे इकट्ठे किए हुए दाने चुगते और चीं चीं वाला गाना गाने लगते। तभी बया ने अपने घोंसले से उचक कर देखा। उसे वर्षा में थर थर कांपते बंदर पर बड़ा तरस आया। उसने कहा, देखो देखो, बुरा ना मानो बंदर भाई, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि अपना सारा समय शरारतों में मत नष्ट करो, आगे का भी सोचो। अगर तुमने मेरी तरह अपना कोई ठिकाना बना लिया होता तो बरसात के दिनों के लिए भोजन का प्रबंध पहले से ही कर लिया होता तो आज ये हालत क्यों होती। सुनकर बंदर क्रोध में लाल लाल आंखें करके बया की ओर देखने लगा। जब बंदर भीग रहा था तो उसने कोई घर नहीं बनाया था। जिस वृक्ष के नीचे उसने अपने आप को छिपाने की कोशिश की उस पर एक बया ने घोंसला बनाया हुआ था और घोंसले में अपने लिए अन्न के दाने भी इकट्ठे किए हुए थे। तो उसने बाहर देखा तो बंदर भीग रहा था। उसे उस पर तरस भी आया और फिर उसे समझाने की कोशिश करने लगी कि तूने अपना समय शरारतों में ही गवाया है। बया फिर बोली, भाई जो हुआ सो हुआ, मगर आगे के लिए मेरी बातों को गांठ अवश्य बांध लेना। हाँ, मेरे पास कुछ दाने पड़े हैं, अगर भूख लगी है तो हो तो बोलो, मैं वे बचे हुए दाने तुम्हारे लिए ले आऊँ। सुनकर बंदर का क्रोध और भड़क गया। क्रोध में लाल 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 पीला होकर बंदर ने एक जोर की छलांग मारी और बया के घोंसले को पकड़कर बुरी तरह झकझोर डाला। फिर बोला, लो अब मजा चखो। बया का टूटा हुआ घोंसला अब धरती पर पड़ा था और वह बुरी तरह विलाप कर रही थी। उसे दुख था कि उसने ऐसे ढीठ और शरारती बंदर को शिक्षा देने की कोशिश क्यों की। धीरे धीरे पेड़ पर मौजूद चिड़ियों को भी ये पता चला। सबने एक दूसरे से कहा, आगे से हम कभी इस शरारती बंदर को मुंह नहीं लगाएंगे। इसने कुछ सीखा तो नहीं, उल्टे बया का घर ही उजाड़ दिया। ऐसे उत्पाती से तो बचकर रहना ही अच्छा है। शिक्षा नटखट से बचकर रहना ही अच्छा है। जब चिड़िया ने उसे समझाने की कोशिश की और उस पर तरस खाकर उसे खाने के लिए बोला तो इस पे बंदर को उस पर बया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने उसकी बात का उल्टा मतलब लेकर उसका ही घोंसला तोड़ दिया। बया अपने टूटे घोंसले को देखकर बहुत दुखी हुई और अपनी गलती पर वह रोने लगी कि उसने ऐसे ढीठ और शरारती बंदर को शिक्षा क्यों दी। जब सभी चिड़ियों को ये पता चला तो उन्होंने उस बंदर को मुंह ना लगाने के लिए सोचा और उस बंदर से बचकर रहने के लिए सोचा। शिक्षा ये है कि नटखट और मूर्ख को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, उससे बचकर ही रहना चाहिए। धन्यवाद।